हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मिश्रा फार्मासिस्ट पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल जो 100 mg का होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जानेंगे क्या इसके यूज़ होते हैं और क्या क्या इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी नई वीडियो आपको इसी चैनल पे हमेशा मिलती रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन क्या होता है। दोस्तों, डॉक्सीसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जो कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे लड़ने में मदद करता है। दोस्तों, इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो इसके कई सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे सबसे पहले, जैसे कि चेहरे पे बहुत सारे लोगों के कील, मुहासे वगैरह एक्ने टाइप के निकलने लगते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल जो है किया जाता है, डॉक्टर करता है। और दोस्तों, चेहरा जैसे लाल वगैरह हो जाता है, फेशियल रेडनेस हो जाती है, तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है कई सारे लोगों का, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल करने के लिए सलाह देता है और प्रिस्क्राइब करता है। दोस्तों, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी कि कोई आंतों में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, सलाह देता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। गोनोरिया में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। आई इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन आँखों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। सिफिलिस में भी इसको, सिफिलिस को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, और भी इसे मतलब कई बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, और कैसे यूज़ करना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसकी और एक्सपायरी देख कर ही इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, कैसे यूज़ करना है तो वो हम आपको बता दें। दोस्तों, सुबह खाली पेट इस कैप्सूल का, एक कैप्सूल का इस्तेमाल करना है, और दूध से बनी कोई भी चीज़ इसके ऊपर से नहीं खानी है। दोस्तों, तभी आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो अपने एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, इस वीडियो को या मेरी वीडियो को बनाने का सिर्फ ये मतलब होता है कि मेडिसिन के बारे में जानकारी देना। दोस्तों, अगर आप अल्कोहल वगैरह का सेवन करते हैं तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। और इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो जैसे कि पेट में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, और रेस्पिरेट मतलब जैसे कि गले में खाना निकलने टाइम भी थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है, और इचिंग वगैरह, खुजली वगैरह हल्की महसूस हो सकती है। तो इसके ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और जो माताएं बहनें जैसे कि प्रेग्नेंट हैं तो वो भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, अपने एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें तभी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। और जो लोग जैसे कि जो माताएं बहनें ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि बच्चों को दूध वगैरह पिलाती हैं, वो भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के बिना पूछे, सलाह लिए बिना इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पे ऐसी ही नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।